दोस्तों यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल स्टार्टर को देखोगे या फिर जो इलेक्ट्रिकल पैनल होती है उस पैनल के वायरिंग को यदि आप देखोगे तो जो वायर होता है उस वायर के साथ में इस प्रकार का फेरुल लगा होता है। मतलब कि जो वायर है उस वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा फेरुल होता है, जिस फेरुल के ऊपर में कुछ नंबर या फिर कुछ अल्फाबेट लिखा होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो वायर है उस वायर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा वायर है उस वायर को आइडेंटिफाई कर सके। मान लीजिए कि आपने ये वाला स्टार्टर को बिल्ड किए और स्टार्टर को बिल्ड करने के बाद ये वाला जो स्टार्टर है इस स्टार्टर में कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आने का टाइम पे यदि आपको इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो सॉर्ट आउट करने के लिए आपको वायर का ट्रेसिंग करना पड़ेगा। मतलब कि कौन सा वायर कहाँ से आया है इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो यदि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टार्टर को बिल्ड करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल जो होती है उस पैनल में किस प्रकार से वायर का जो फेरुल होती है उस फेरुल का नंबरिंग करेंगे, उसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑलरेडी बना के रख दिया हूँ। यहाँ पे मेरे पास में टोटल 3 पेज है जिसमें टोटल 5 सर्किट डायग्राम है जिसके जरिए एक्सप्लेन करूंगा। इतने में ही आप पूरा चीजें समझ जाओगे। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मेरे पास में ये वाला सर्किट डायग्राम है। इस वाले सर्किट डायग्राम में जो वायर है उस वायर का मुझे नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए हमें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप किसी पैनल के वायरिंग को देखोगे तो उस वायरिंग में जो नंबरिंग किया जाता है उस नंबरिंग में जो पहला डिजिट होता है वो होता है अल्फाबेट। जैसे कि यदि आपका पैनल जो है उसमें पहला लेटर है ई, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 01 या फिर आप कह सकते हो लिखा हुआ है E1, ठीक है। इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो जो पहला डिजिट होता है इसका एक मतलब होता है। जैसे कि यदि आपका जो वायरिंग है उस वायरिंग में पहला डिजिट E लिखा हुआ है तो E का मतलब होता है कि जो आपका वायर है वो वायर आपका PT के लिए है। इसी प्रकार से वायर के ऊपर में यदि लिखा हुआ है H, यदि पहला डिजिट H है उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है जैसे कि H1 लिखा हुआ है, तो यदि नंबरिंग में पहला डिजिट H लिखा हुआ है तो H का मतलब होता है कि जो आपका वायर है वो वायर AC पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि जो हमारा MCB होती है, MCB से जो पावर सप्लाई आ रहा है उस पावर सप्लाई का जो पहला वायर होगा उसको हम H1, H2, H3 इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए हम N से डिनोट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो आपका वायरिंग है उस वायरिंग में जो नंबरिंग किया गया है उस नंबरिंग में लिखा हुआ है J1 या फिर J2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका वायर है वो वायर आपका DC पावर सप्लाई वाली वायर है। मतलब कि ये जो J है ये हमें ये बताता है कि जो वायर है वो वायर हमारा DC पावर सप्लाई के लिए है। यदि आपके पास में कोई DC पावर सप्लाई है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा इस पॉजिटिव पावर सप्लाई को हम डिनोट करेंगे J1 से और नेगेटिव पावर सप्लाई को डिनोट करेंगे J2 से। मतलब कि फेरुलिंग यदि आप करोगे तो वहां पे J1 J2 इस प्रकार से आप फेरुलिंग करोगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैं जो आपको फेरुलिंग बताने जा रहा हूँ इस फेरुलिंग में पहला जो अल्फाबेट है इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिंपली आपको 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से फेरुलिंग करना बताऊंगा। मतलब कि सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि यदि आपको स्टार्टर को बिल्ड करते हो तो उसमें आप किस प्रकार से नंबरिंग करोगे पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आप ये मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे एक लैंप है, ये वाला जो लैंप है इस लैंप के लिए यहाँ पे फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ में बीच में एक स्विच को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो वायरिंग है इस वायरिंग में हमें फेरुलिंग करना है, मतलब कि फेरुल नंबर हमें लिखना है। देखिए दोस्तों यदि आप नंबरिंग करने जाओगे तो सबसे पहले नंबरिंग जो आप करने जाओगे वो सबसे ऊपर से होना चाहिए। तो अभी के टाइम पे ये वाला जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में आपका जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई सबसे पहले यहाँ गया है, मतलब कि इस पॉइंट पे आपको पावर सप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पे आपने एक वायर को कनेक्ट किया और इस वायर को ले जाके स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए, तो जो आपका पहला वायर होगा इस वायर को आप नंबर करोगे 1 के जैसे। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा होगा इस पॉइंट पे भी नंबरिंग आपको सेम करना होगा, क्योंकि एक ही वायर है तो इस वायर का नंबरिंग हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों में हमें 1-1 का नंबरिंग करना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है स्विच, स्विच में हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। अब इस स्विच के नीचे में यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है तो इस वायर को हम नंबरिंग करेंगे 2। यहाँ पे 1 का नंबरिंग हो चुका है, अब यहाँ पे होगा 2 और इस वायर का जो दूसरा सिरा है वो भी हो जाएगा 2 नंबर का। अब ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट शो कर रहा है इस लैंप का टर्मिनल, तो ये हो गया 2। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को हम चाहें तो 3 नंबर का नंबरिंग कर सकते हैं। मतलब कि ये वाला पॉइंट 3 नंबर हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी
तीन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में दूसरा सर्किट डायग्राम है इसमें नंबरिंग करते हैं, तो इसमें भी नंबरिंग सेम तरीके से आपको करना होगा। जो आपका फेस सप्लाई है, इस फेस सप्लाई को आप वन नंबर नंबरिंग कर सकते हो, इसका जो दूसरा सिरा है वो भी वन नंबर हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ये वाला जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को आप यहाँ पे सेकेंड नंबर दे सकते हो। इस वाले सर्किट डायग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ से नंबरिंग करते चलिए, लेकिन जो आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है उसको सेकेंड नंबर भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू नंबर लिख दिया। अब ये जो वायर है, इस वायर का एक सिरा इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो यहाँ से जो वायर गया इस पॉइंट पे, इसको भी हम नंबर देंगे टू। इसके अलावा ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसी न्यूट्रल पावर सप्लाई का जो एक वायर है वो वायर इस पॉइंट पे कनेक्ट है। इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, लेकिन इस वाले सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं लगाया गया है, तो जो आपका यहाँ पे नंबरिंग होगा वही सेम टू सेम आपका इस वाले वायर के हर एक सिरे पे होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग हमने टू कर दिए, तो इस पॉइंट पे भी टू हो जाएगा और इस वाले पॉइंट पे भी टू नंबरिंग हमें करना होगा। इसके बाद ये वाला जो स्विच है, इस स्विच के नीचे में जो वायर होगा, इस वायर को हम नंबर दे देते हैं थ्री। ये हो गया थ्री नंबर का वायर। अब इस वायर का दूसरा सिरा यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे भी हम तीन नंबर का जो हमारा फेरुल है उस फेरुल को इंसर्ट करेंगे। ये वाला वायर इसी पॉइंट पे कनेक्ट है तो ये भी हो जाएगा तीन नंबर का, और इस वायर का दूसरा सिरा आया है इस पॉइंट पे तो ये भी हो जाएगा तीन नंबर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपका वायर अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपको सेम नंबरिंग करना होगा। यदि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल स्विच आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्विच आ गया है, तो इस प्रकार से यदि कोई स्विच आ जाता है तो इस कंडीशन में जो नंबर होगा वो नंबर चेंज हो जाएगा। यदि कोई बीच में इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है तो आपका नंबरिंग सेम टू सेम चलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास में एक और सर्किट डायग्राम है, इस वाले सर्किट डायग्राम में नंबरिंग करते हैं। तो इस वाले सर्किट डायग्राम में जो मेरा फेस सप्लाई है, इस फेस सप्लाई को मैं वन नंबर का नंबरिंग कर देता हूँ। इसके बाद जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को मैं दो नंबर लिख दूंगा। अब ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है वो इस पॉइंट पे भी कनेक्ट है तो दो नंबर, और इस वाले पॉइंट पे भी कनेक्ट है तो दो नंबर हो जाएगा। अब ये जो फेस सप्लाई है, ये फेस सप्लाई इस पॉइंट पे आया है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा वन नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने वन नंबर का नंबरिंग किए हैं। और यही वायर हमारा इस पॉइंट पे गया है तो ये भी हो जाएगा वन। इसके बाद यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच के नीचे में यहाँ पे ये वाला वायर है, तो इस वायर को हम नंबरिंग कर देंगे थ्री। यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पे टू, और ये वाला हो गया थ्री, तो इसका दूसरा सिरा हो जाएगा थ्री, और ये वाला हो जाएगा फोर, और यहाँ पे भी फोर। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे आपने समझ लिए। यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल पैनल को देखोगे तो पैनल में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई में लिखा हुआ है H1, मतलब कि फेस सप्लाई का इनकमिंग पावर सप्लाई है। इसके अलावा न्यूट्रल पावर सप्लाई पे आपको देखने को मिल जाएगा N2 या फिर N1, इस प्रकार से। अभी के टाइम पे मैं आपको केवल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास में DOL स्टार्टर है, इसमें हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फेस सप्लाई है, तो फेस सप्लाई को मैं वन नंबर दे दूंगा। फेस सप्लाई का जो दूसरा वायर है ये भी वन नंबर का हो जाएगा। न्यूट्रल पावर सप्लाई को दो नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पे भी न्यूट्रल सप्लाई आया है तो ये भी दो हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मेरा स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट है, इस वायर को मैं नंबर करूंगा थ्री। अब ये जो थ्री नंबर का वायर है वो इस पॉइंट पे भी कनेक्ट है तो ये थ्री हो जाएगा, और यहाँ से वायर इस पॉइंट पे आया है तो ये भी वायर हमारा थ्री नंबर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो वायर है ये हो जाएगा फोर नंबर का, ये वाला पॉइंट पे जो वायर होगा वो भी फोर, और इस पॉइंट पे जो वायर होगा वो भी हो जाएगा फोर। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास में एक और सर्किट डायग्राम है, ये भी DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे ऑन इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन लैंप को भी कनेक्ट किया गया है, तो इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं। ये वाला जो वायर है ये हो जाएगा वन, न्यूट्रल पावर सप्लाई हो जाएगी टू। न्यूट्रल सप्लाई बहुत ज्यादा डिवाइड हुआ, जैसे कि इस पॉइंट पे है तो टू, इस पॉइंट पे है तो टू, और इस पॉइंट पे है तो टू। वन नंबर का वायर यहाँ पे आएगा तो वन, और यहाँ से वायर जो गया है इस पॉइंट पे ये भी हो जाएगा वन। स्टॉप पुश बटन के आउटपुट पे जो वायर कनेक्ट है ये हो जाएगा थ्री नंबर का वायर, थ्री नंबर का वायर इस पॉइंट पे भी कनेक्ट है तो ये हो जाएगा थ्री, यहाँ पे भी हमें थ्री नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इससे जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई में हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे फोर। यहाँ पे थ्री है तो ये हो गया फोर, इस पॉइंट पे भी फोर आएगा, इस वाले पॉइंट पे भी फोर नंबर का फेरूल आएगा, साथ ही साथ में यहाँ पे भी फोर नंबर का फेरूल आएगा। ये सभी के सभी वायर आपस में एक साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे फोर नंबर का फेरूलिंग किया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में एनसी कॉन्टैक है, तो एनसी कॉन्टैक के बाद में जो वायर कनेक्ट किया गया है इस वायर में हम नंबरिंग करेंगे इसके बाद वाली, मतलब कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम किस प्रकार से किसी भी सर्किट का जो वायर है उस वायर का नंबरिंग करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर यदि हमारे स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वायर को देख के आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।